गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है, हो भी गया होगा, और 2 जून को एक नया सर्कुलर आया है आरआरबी गुवाहाटी से। आरआरबी गुवाहाटी के जितने भी एनटीपीसी सीएन 1/2019 के कैंडिडेट थे, जिनका कि एग्ज़ाम 12 तारीख से होना था, उनका सारा का एग्ज़ाम 15, 16, 17 सारे लेवल 5, 2, 3 सारे कैंसिल कर दिए गए। और ऐसा संभावना है कि कुछ बोर्ड में और भी हो भी सकता है। तो आप सभी को मैंने पहले भी बोला था, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी है, वो भी लेट हो सकता है। मैं जब आरआरबी पटना महेंद्रू घाट में अनशन चल रहा था, वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, तो मैंने सभी छात्रों को, रेलवे या किसी भी चीज़ की तैयारी करते उन सभी को मैंने बोला था कि आप लोग सहयोग दीजिए, रेलवे आप सबके भी साथ कभी ना कभी मजाक कर सकती है। और वही चीज़ हो रहा है। सरकार की कहीं ना कहीं हमें लगता है नियति नहीं है जॉब देने की, एग्ज़ाम लेने की। जो सीएन 1/2018 के एलबी टेक्नीशियन के मेडिकल फिट कैंडिडेट अभी तक अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, उनके लिए सर्कुलर भी आया, लेकिन वो कुछ ही बोर्ड में, कुछ जोनल रेलवे में फॉलो हो रहा। ऐसा क्यों? मैं बार बार छात्रों को बोला था, आप सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिए, लेकिन आपने उल्टा सुनाया, सहयोग नहीं दिया। आज आप लोग मुझे कॉल करके, मैसेज करके बोल रहे हैं, तो मैं फिर से बोलता हूँ, जब तक आप सभी छात्र एक साथ नहीं आएंगे, आपके साथ ये अन्याय होता रहेगा। ये कन्फर्म है, ये रेलवे करती रहेगी। तो आप लोगों को एकजुट होने की कोशिश है। और जो मैंने एक बात बोला था, जो कि 5 बोर्ड जो सीएन 1/2018 के मैक्सिमम उस रूल को फॉलो करने के चांस में, उनमें सबसे आगे रहेगा कलकत्ता, भुवनेश्वर, मुंबई, अहमदाबाद, उसके बाद सिकंदराबाद, चेन्नई, ये 5-6 बोर्ड हैं। और जहाँ पे जो एक्सेस का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे बहुत कम उम्मीद है। देखते हैं आगे क्या होता है। और इन्हीं सभी जानकारी के लिए आप लोग लगातार बने रहें, आगे भी हमारी कोशिश होगी। देखते हैं आगे हमारे हम सब के नसीब में क्या होता है। इन्हीं सभी बातों, इन्हीं सभी अपडेट के साथ आप लोगों से मैं आज विदा लेता हूँ। फिर कभी देखते हैं, अगर ऐसा कुछ नोटिस आया तो आप लोगों को मैं ज़रूर जानकारी दूंगा। और जिन भी छात्रों का धीरे धीरे वेटिंग क्लियर हो रहा है, जैसे कि कल सिकंदराबाद का, तो उन सभी के साथ मेरी शुभकामनाएँ हैं। और होप, बिलीव रखिए, हम लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ होगा आगे। जय हिंद, जय भारत।